Assalamualaikum alaikum students welcome to english literature's class today we are going to start a poem be glad your nose is on your face this poem is composed by an american poet chap who is the author of more than 40 books of children's poetry so let's start it be glad your nose is on your face ke not pasted on some other place kisi aur jagah par nahi फॉर इफ इट वॉर और अगर लगी हुई होती वीअर इट इज़ नॉट जहाँ पर यह नहीं है यू माई डिस लाइक योर नोज अलॉट तो आप अपनी नाक को नापसंद करते इमेजन तस्वर करें इफ़ योर प्रीशियस नोज आपकी कीमती नाक वैंडविच इन बिटवीन योर टोज आपके कदमों के दरम्यान में लगी हुई होती दैट क्लियरली वुड नॉट बी ट्रीट जहाँ पर इसको वाजह ट्रीट ना किया जाता वाजह सलूक ना किया जाता योर बिफोर्स टू स्माइल योर फीट आप मजबूर होते हैं अपने पैरों की स्मेल करने के लिए उसकी बदबू सूंघने के लिए यानी नेक्स्ट आप। योर नोस वुड बी अ सोर्स ऑफ ट्रेड आपकी नाक एक खतरे का बायस होती वर इट अटैच्ड अटॉप योर हेड। अगर ये आपके सर के ऊपर लगी हुई होती इट्स ड्राइव यू टू डिस्पेयर ये जल्दी आपको मायूसी की तरफ ले जाती फॉर एवर टिकल बाई योर हेयर हमेशा आपके बालों के साथ गुदगुदाई जाती और आप हंसते विद इन योर एयर शोअर नोज वुड भी अगर आपके कान के दरमियान में आपकी नाक होती एंड एबसल्यूट कैटास्ट्रॉफी तो एक मकम्मल तबाही होती फॉर वैन यू वर अब्लाई टू स्नीट जब भी आप छीकते शोर पेन वुड रेटल फ्राम द ब्रीज तो इस छींक से आने वाली हवा से आपका दिमाग झुंझुना जाता खटका जाता यानी नेक्स्ट आजा ही सेज शोअर नोज आपकी नाक इंस्टेंट इसके बावजूद थ्रूथिक एंड थिन मोटी या पतली होने के बावजूद रिमेन्स बिटवीन योर आइज एंड चिन आपकी चिन थोड़ी एंड आइज़ और आंखों के दरम्यान में रहती है नॉट वेस्टिड नहीं लगती ऑन सम अदर प्लेस किसी और जगह पर बी ग्लैड योर इज ऑन योर फेस खुश हों कि आपकी नाक आपके मुंह के ऊपर लगी हुई है एक्चुअली द पॉइंट वॉन्ट टू से दैट वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर वाट वी हैव एंड वेयर वी हैव Here is the main vocabulary read the given words with their meanings words and their meanings precious valuable and costly despair the feeling of having lost all hope catastrophe disaster dread fear and scare obliged to show that you are grateful to somebody here are some vocab uh, here are some exemplary sentences as make sentences by using vocabulary words Words and sentences precious. This watch is very precious. Despair it is the lack it is the luck of man that spares him. Dread. She has a dread of failure. Catastrophe. The oil spill was an environmental catastrophe. Blight. She is obliged to her friends. And here is our diary. Learn the vocabulary words with their meanings and also make sentences by using these vocabulary. Thank you.